कुल्फी कबाब बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही अलग टाइप के हैं। इसके लिए आप ले लीजिएगा देखिए कुछ गाजर और कुछ पालक के पत्ते, थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और आलू और कुछ बीन्स। आप मशरूम भी डाल लीजिए, एक पनीर का टुकड़ा भी देखिए हम डाल रहे हैं। देखिए इतनी सब्जियां और ये मसाले, कितना पौष्टिक होने वाला ये। तो सब्जियों को या तो उबाल लीजिए और या तो फ्राई कर लीजिए जैसे हम अपने होटल में करते हैं। अब फ्राई करने का एक फ़ायदा है कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो लगभग ख़त्म हो जाता है और बॉयल करने की वजह से वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपको कबाब में थोड़ा ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो मुँह में आता है। ये देखिए पालक के पत्ते फ्राई हो रहे हैं, ये आखिर में फ्राई होंगे और सब फ्राई होकर देखे निकल गए, लगभग पक गए और ड्राई भी हो गए और कलर भी मेंटेन्ड है, तो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद कीमा मशीन में सबको एक बढ़िया सा कीमा कर लीजिए। आप घर पे अपने ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार कीमा करना है, दो तीन बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्जियाँ आराम से पक जाती हैं। देखिए आलू अच्छा सा बाइंड करने का भी काम करेगा। कीमा बन के तैयार है, लास्ट में थोड़ा पनीर भी इसमें मिला लीजिए, आप घर पर मशरूम्स भी मिला लीजिएगा और ये कीमा देखिए तैयार है। आप रंग देख रहे हैं कीमे का, कितना फर्स्ट क्लास का। अब इसमें चला गया भुना हुआ बेसन, दो बड़े चम्मच बेसन ले लीजिए, उसको भून लीजिए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और ये है साहब कसूरी मेथी पीसी हुई बारीक एकदम, और ये है साहब जीरा पाउडर, ये थोड़ा ज़रूरी है। ये इलायची का पाउडर है बारीक पिसा हुआ एकदम, ये गरम मसाला। अब देखिए दो तरह का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, काला नमक ये चला गया और हमारा घरेलू सफ़ेद नमक, ये दोनों तरह के हमें इस्तेमाल करने हैं। तो सब मसाले जाने के बाद अब इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने को क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसमें है भुना हुआ बेसन। अब भुना हुआ बेसन जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे कबाब, और फ्राई करते समय ये फट जाएंगे। अब देखिए इसकी छोटी छोटी गेंदे बना लीजिए। ये मिक्सचर बना के हो सके तो थोड़ी देर फ्रिज में रखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये देखिए स्टिक्स देख रहे हैं, ये आइसक्रीम स्टिक्स बाजार में मिलती हैं, किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएंगी। आजकल बच्चे हैंडीक्राफ्ट में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। अब इसको एक कुल्फी का शेप दे दीजिए, जैसे बाजार में कुल्फी होती है ना, बस कैंडी बार इस तरह की ये कुल्फी बना लीजिए। और कुल्फी बनाने के बाद इसको थोड़ी देर और फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद फ्राई करिएगा, आप देखिएगा रिजल्ट कितने फ़र्क होते हैं। हाथ से शेप देते हुए इस तरह की कुल्फी बना लीजिए, दो चार छः दस जितनी बनानी है बनाइए साहब, बहुत बढ़िया नए तरीके का कबाब है। अब देखिए इसको सर्व करने का तरीका भी यार नायाब रखा है। अब सबसे पहला काम जो करेंगे इसको हम फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे फ्राई करिएगा ताकि अच्छे से पक जाए और कलर एकदम सुर्ख लाल आ जाए, मज़ा आने वाला है। अब देखिए कुल्फी तो सफ़ेद होती है और ये तो फ्राई होने के बाद हल्के भूरे रंग के हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये थोड़े बहुत तो रिजेंबल हो जाए हमारी कुल्फी के साथ। कबाब फ्राई होकर तैयार हैं, अब इनको एक प्लेटर में लगाना है और एक अलग तरह की गार्निश। तो सबसे पहले प्याज, प्याज के साथ सबसे महंगा आइटम भैया आज का नींबू और पुदीना। नींबू ने तो आग लगा रखी साहब, सबके मुँह खट्टे कर रखे हैं। और अब बारी है कबाब को एक दही के सोल्यूशन में डिप करने की, ये गाढ़ा दही है उसमें डिप करिए, ये थोड़ा आपको कुल्फी का शेप मजा दे देगा और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब ये डालने के बाद थोड़ा सा रंग देना चाहिए इसको, थोड़ी सी टमाटो केचप से एक लाइन सी बना दीजिए, बड़ा बढ़िया लगेगा। अब देखिए एक हल्की सी मीठी चटनी हो गई, दही हो गया, अब थोड़ी सी हरी चटनी, एक टीका लगा दीजिए हरी चटनी का, फर्स्ट क्लास कबाब तैयार है। और मेरा नाम शेफ रवि सावंत है, ऐसी रेसिपीज मैं आपको लाता रहता हूँ, हो सके तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।